सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती
ಪಟ್ಟಾಂಬರ ಪರಿಧಾನ ಕಲಮಂಜೀರ ರಂಜನಿ ಅಮೇಯ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರೂರ ಸುಂದರಿ ಸುರಸುಂದರಿ ಬನದುರ್ಗಾ ಚ ಮಾತಂಗಿ ಮತಂಗ ಮುನಿಪೂಜಿತ ಭ್ರಾಮೀ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಚೇಂದ್ರಿ ಕೌಮಾರಿ ವೈಷ್ಣವೀ ತಸಾ ಚಾಮುಂಡಾ ಚೇವ ವಾರಾಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ಪುರುಷಾಕೃತಿ ವಿಮಲೋತ್ಕರ್ಷಣೀ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯ ಚ ಬುದ್ಧಿದ ಬಹುಳ ಬಹುಳ ಪ್ರೇಮ ಸರ್ವವಾಹನ ವಾಹನ ನಿಶುಂಭ ಶುಂಭ ಹನನಿ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದನಿ ಮಧು ಕೇಟವ ಹಂತ್ರಿ ಚ ಚಂಡ ಮುಂಡ ವಿನಾಶನಿ ಸರ್ವಾಸುರ ವಿನಾಶ ಚ ಸರ್ವದಾನವ ಘಾತನಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯಿ ಸತ್ಯ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರ ಧಾರಣಿ ತಥಾ ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರ ಹಸ್ತ ಚ ಅನೇಕ ಅಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಧಾರಣಿ ಕುಮಾರೀ ಚೈಕ ಕನ್ಯಾ ಚ ಕೇಶೌರಿ ಜುವತಿ ಜತಿ ಅಪ್ರೌಢಾ ಚೈವ ಪ್ರೌಢಾ ಚ ವೃದ್ಧ ಮಾತಾ ಬಲಪ್ರದ ಮಹೋದರಿ ಮುಕ್ತಕೇಶಿ ಘೋರ ರೂಪ ಮಹಾಬಲ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ರೌದ್ರಮುಖಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ನಾರಾಯಣಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ಜಲೋಧರಿ ಶಿವಧೂತಿ ಕರಾಳಿ ಚ ಅನಂತ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾತ್ರಾಯಣಿ ಚ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿ ಜಾಇದಂ ಪ್ರಭಟೇ ನಿತ್ಯಂ ದುರ್ಗಾ ನಾಮ ಶತಾಶ್ರಿಗಂ ನಾಸಾಧ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೆ ದೇವಿ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ಪಾರ್ವತಿ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಸುತಂ ಜಾಯಂ ಹಯಂ ಹಸ್ತಿನಮೇವ ಚ ಚತುರ್ವರ್ಗಂ ತಥಾ ಚಾಂತೇ ಲಭೇ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಿಂ ಕುಮಾರೀಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವೀಂ ಸುರೇಶ್ವರೀಂ ಪೂಜಯೇತ್ ಪರ್ಯಾವಕ್ಯ ಪಡೇ ನಾಮ ಶತಾಶ್ರಿಗಂ ಸಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇ ದೇವಿ ಸರ್ವೇ ಸುರ್ಹರೇ ರವಿ ರಾಯಾನೋ ದಾಸತಾಂ ಜಾಂತಿ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರಿಯಮವಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಘೋರೋಚನ ಲಕ್ತಕ ಕುಂಕುಮೇನ ಸಿಂಧೂರ ಕರ್ಪೂರ ಮಧುತ್ರಯೇನ ವೀರಕ್ಷಯಂತ್ರಂ ವಿಧಿನಾ ವಿಧಿಕ್ಯೋಪವೇತ್ ಸದಾಧಾರ್ಯತೆ ಪುರಾರಿ ಭೌಮಾವಾಸ್ಯಾನಿ ಶಾಮಗ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಶದ್ವಿಷಾಂಗದ ದಿಲಕ್ಯ ಪ್ರಭಡೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಾರವೇತ್ ಸಂಗದಾಂ ಪದಾಂ प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवघर के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवत स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवति का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवति की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य को अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से
जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजन्य मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः चामुण्डा देवता अञ्जन्यासोक्तमातरो बीजम् दिगबन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्भाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासुकवचं पुण्यं तस्यनुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे निशमे दुर्गमे चैव व्याहता शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं दस्य पश्यामि शोकदुःखमयं नहि ज्येष्ठ भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिर्प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसेतान् संशया प्रेतसंसाधु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिगय समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नानाभरणशोभार्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् केटकं तोमरं चैव पशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानिर्थं देवानां च हिताय वे। नमस्ते सो महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्वेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धने प्राचां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेहामग्निदेवता दक्षिणेऽवतु वाराहे नैरित्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणि रक्ष वायव्यां मृगवाहिनि उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष तदस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशतु सौरक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता भाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मध्योतनी रक्ष उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च प्रभो रक्ष दुशस्वनि त्रिनेत्रा च प्रभोर्मध्य जमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्य श्रोत्रयोर्द्वारवासिनि
कपालोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरश्चेत् जसिका अद्रे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे तनूर्धरी नीलग्रीवा वहि कण्ठे नलिकां नलकूवरी सन्ध्ययो खड्गनी रक्ष बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखांशुलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी सनो रक्षन् महादेवी मनाशोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नावाचकामिनी रक्ष गुह्याङ्गुह्येश्वरी तथा भूतनाकामिकामेकम् उदे महिषवाहिनी कर्यां भगवती रक्ष जानुनि विन्ध्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्तलवासिनि नखाङ्गुष्वाकराणि च केशां देवोर्ध्वकेशिनि रोमकूपेषु कौवेरि त्वचं नागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासाम्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रेश पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावती पदवकाशे कभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखीनखज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारां महाबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारणे प्राणापाणा तथा व्याणाम् उदाणं च समानक वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणयोगण रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वमयस्तमश्चैव रक्ष नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी जजाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च जग्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रालक्ष्यन् महालक्ष्मीर्वायां रक्षतु भैरवी वन्दानां सुकृता रक्षन् मार्गं केमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यस्तानं वर्जितं कवचे मधु तत् सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतु जदिच्छेषो आत्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चित परमेश्वरे मतुलं प्रार्थते भूतले पुमा निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः रे लोके तु भवेत् पूज्या कवचेनावृता पुमा इदं तु देव्यः कवचं देवानामभिदुर्लभम् जापये प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं शर्यान्विदः देवी कलापमेतस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवे त्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराः चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजाकुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश दक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डावैरवाद्यः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे संस्कृते मानो निर्वेराज्ञस्तेजो भित्तिकरं वरम् जशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जले सप्तशतीं चण्डिर्कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशलोभनकाननं तावदिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं जसरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन स मोदते ॐ अथर्गलस्तोत्र
ॐ अस्य श्री अर्घ्यस्तोत्र मन्त्रस्य विष्णुर्ऋषि अनुष्टुभ छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्तु ते मधुकैटव निद्रावे विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि महिषासुरनिर्नाजे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि रक्तबीजापदे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि शुम्भसेवने शुम्भस्य तुम्राक्षस्य च मर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि भण्डिताङ्घ्रिजुहे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि अचिन्त्यरूपचरते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि स्तुभ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि चण्डिके सततं ये त्वं भक्षयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि सुरासुरशिरो रत्नानि कृष्णचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि प्रचण्डदैत्यदर्पणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि कृष्णेन संसुते देवि षड्वल्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि हिमाचलसुदानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि देवि प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि देवि भक्तजनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जयि वदने मनोरमं देहि मनोवित्तानुसारणे तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशती सङ्ख्या परमाप्नोति सम्पदा ॐ अथ कीलके ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ
विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयप्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्वियानीयान् मन्त्राणाम विकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्धान्तचारणादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुभतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कानि माहा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदम् शुभम् स्तोत्रम् एतण्डिकायासु तत्र गुप्तम् चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम् यथा वीर्यनियन्त्रण स्वभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशय कृष्णायाम् वा चतुर्दश्याम् अष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योनिष्क्रियाम् विधायिनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धासा गणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न देवाप्यर्थस्तस्य वयम् कुमापि हजायते नापमित्योपशम् जाति मृतो मोक्षम् वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यमिति किञ्चित् दृश्यते ललनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् शनेषु जाप्यमानस्मिन् स्तोत्रे सम्प्रतिरुच्यके भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ईश्वरम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष श्रूयते सा न किम् जने ओ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र हय गिरिनन्दनि नन्दनमेदन विश्वविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्द चिरोदिनिवासन विश्वविलासन चिरिशृणुते भगवति हे श्रीकण्ठकुटुम्बणि भूरि कुटुम्बणि भूरि गिरे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदनि चलसुते दुर्वरवरदनि दुर्वरदर्शनि दुर्मुखमरदनि हर चरते त्रिभुवन भोजन शङ्कर दोषण तिलविषमोदनि गोदरते धनुजनि रोजनि दिलिसुदरोजनि दुर्मलदोजनि सिन्धुरुदे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपरदनि चरसुते हय जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासनि हासरते श्रीगिरिशिरोमणि तुङ्ग हिमालय लिङ्गनिजालय मत्तगते मधु मधुरे मधु केटवभञ्जनि केटवभञ्जनि हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रङ्गकमर्दनि चलसुते हय जरघण्ड त्रिभुवजगण्ड विधारण चण्ड पराक्रम युण्ड मृगाधिपते निजभुज दण्ड निपातित कण्ड विपातित मुण्ड पटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यक वरदनि चलसुते हरिरण दुर्मद शत्रुमदोदित दुर्धर निर्गर शक्तिभिते चतुर्विचार दुरीन शिव दुर्गरमताधिपते दुरित दुरीह दुरीश दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदनि शरसुते हय शरणागत भैरि वधूवर वीरवरामय धायि करे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल चूल करे दुमि दुमि कामर सुन्दरि न
Come on.
क्षमा प्रार्थना ही अत क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि श्रीयन्ते अरणि चम्बया दातो अयमिति महत्व आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो
हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। जन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस मां जगजन्य के दरबार में आकर की भक्ति भाव से करवत प्रार्थना करते ही अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए मां भगवती का स्तवन करते ही मां की स्तुति करते हैं, मां से प्रार्थना करते ही कि देवी प्रसन्न होई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना। सदा सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि में रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत सत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तम वैष्णव शक्ति अनंत वीर्या विश्व सुजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेहता तम भी प्रसन्ना भूमुक्ति हेतु। हे माँ, आप अनंत बल संपन्न वैष्णव शक्ति हो, विश्व से भेजम परमासी माया विश्व की कारण भूता परमाया हो, सम्मोहितम देवी समस्त मेहता तम भी प्रसन्ना भूमुक्ति हेतु। हे देवी, आप ही जो है प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर जो है मोक्ष की प्राप्ति कराती हो, क्योंकि आपके द्वारा ही सारा यज्ञ जो है ये मोहित किया गया है, सारा यज्ञ जो है मोह के गहरे गर्त में गिराया गया है, और आप ही प्रसन्न होने पर जो है इस पृथ्वी पर जो है मोक्ष दिलाती हो, आपकी कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो सारा यज्ञ जो है इसी भगवती महामाया के द्वारा जो मोहित किया गया है। ज्ञानी नाम चेतन से देवी भगवती सा भलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रजस्यति। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी भी जो भ्रम में बैठकर तप करते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, इस प्रकार से तपस्वी जो है वह भी मोह के गहरे गर्त में जो है गिरा जाते हैं। जब तक इस देवी की कृपा न हो तब तक तपस्वी जो है अपनी तपस्या में सफल नहीं होते। ज्ञानी और चेता से देवी भगवती सा भलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रजस्यति। इस भगवती महामाया के द्वारा ही जो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी जो है वह भी मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। फिर सामान्य मनुष्य का कहने क्या, आप जानते ऐसे तपस्वी जो है कहते हैं कि महर्षि पराशर जो है जिन्होंने 60,000 वर्ष जो है तप किया था, ऐसे तपस्वी और अनेक बार जो है इंद्र ने जो है उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अवसर भेजे तो भी उनकी वह भक्ति से वह मुक्त नहीं हो पाए, उनको तप से वृत नहीं कर पाए, उनको पराजित नहीं कर पाए। और जब जो पराजित होने लगे तो कहते मदद से गंधा निशा राज की कन्या पर जो मोहित हुए, जिससे जहां पर व्यास का प्रादुर्भाव हुआ था, ये तो खैर देव लीला होती ही। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वह पराशर ऋषि जो है मत्स्य गंधा अपने तपोबल से जो है उसको सुगंधमय कर दिया, तपोबल से जो है दिन में रात्रि कर दी, परंतु
एक क्षण के काम को रोक नहीं पाए। ये ऐसे शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये वास्तव में अधोगति की ओर ले जाने वाले। एक क्षण का काम, एक क्षण का मोह, एक क्षण का क्रोध जो है, क्रोध में जो है आप क्षण में न जाने क्या अनर्थ कर डाले और बाद में केवल पश्चाताप ही होता है कि हमने जो क्या कर दिया, अकरणीय कार्य कर दिया। इसलिए जो भक्तजन भगवती की शरणागत होकर के इस भगवती महामाया की शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, जो भगवती प्रसन्नचित होकर के उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती है, और जिन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं उनका कभी कहीं भी अमंगल नहीं होता, सर्वत्र उनका मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि सदा सर्वदा ठीक निर्णय करती है, और जिनकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है उनका कभी अमंगल नहीं होता, सर्वत्र मंगल ही मंगल होते हैं। इसलिए सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देने वाली यही भगवती है, जिसके दरबार में पाए हैं, जिसके चरण में बैठे हुए हैं, इन तीनों देवियों की माता महाकाली माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती की जिन पर कृपा हो जाती है उनका सर्वत्र जो है मंगल ही मंगल होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। पूर्व काल की बातें हैं, कहते हैं कि जिस समय सृष्टि पर कुछ भी नहीं था, सर्वत्र जो है जल ही जल था, अंधकार ही अंधकार था, और भगवान विष्णु भी शेषनाग की सज्जा पर शयन कर रहे थे, कुछ नहीं था। उस समय जो है भगवान विष्णु के कारण से दो असुरों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम मधुर केटव था। मधुर केटव जो है उस सर्वत्र जो जल ही जल देख करके विचार करने लगे कि इसका कहीं ना कहीं तो आदि अंत होगा, नीचे ऊपर चले गए। बहुत वर्षों तक जो है नीचे चलते रहे परंतु कहीं उसका आदि मिला नहीं। फिर विचार करने लगे कि हमारी जननी कौन है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। तब जो है विचार हुआ कि माँ भगवती हमारी जननी है। उसी समय जो है आकाशवाणी हुई कि तब करो तब करो। दोनों असुर जो है इसी माँ भगवती की शरणागत होकर के इस आदि शक्ति की उपासना करने लगे, तब करने लगे। निराहार व्रत जो है, निराहार व्रत करते हुए कहते हैं कि सब कुछ त्याग दिया और इस प्रकार जल के ऊपर बैठ करके हजारों वर्षों तक जो है वह तप करते रहे। उनकी तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के माँ ने उनको साक्षात दर्शन दिए। जब दोनों असुरों को दर्शन हुए, माँ जनजगनी के दर्शन हुए, दोनों असुर बड़े प्रसन्न हुए माँ के दर्शन करके, माँ के चरणों में प्रणाम किया, माँ की स्तुति की। तब माँ ने कहा कि देते हो मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, भरम रोही आपकी जो इच्छा हो आप जो है वरदान मांगी। देखिए भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। जब साधक जो साधना करते हैं सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से जो है देव कृपा होती है, और इस प्रकार से वास्तव भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि देव स्वयं आकर पूछे कि आपकी इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं आप। इन देवतों ने ऐसी तपस्या कि यज्ञजननी प्रसन्न हो गई और माँ प्रसन्न हुई तो साक्षात दर्शन दिए और पूछ रही है कि आपकी भक्ति से प्रसन्न हो, आप चाहते क्या है, आप जो इच्छा हो मुझसे वरदान जो है प्राप्त कर सकते हैं। तब जो है उन असुरों ने माँ की स्तुति करते हुए कहा कि माँ आप तो सब जानती हैं, फिर भी जब हमें से आप पूछना चाहती हैं तो हमें जो है आप इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए, हम जब चाहें तब हमारी मृत्यु हो, ऐसे ही हमारी मृत्यु न हो, कोई देव देवता जो है हमें युद्ध में पराजित न कर सके, मार न सके, ऐसा में बल ऐसी शक्ति दीजिए और इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए, कोई भी हमें युद्ध में पराजित न कर सके, हमें मार न सके, हम जब स्वयं इच्छा करें मृत्यु को स्वीकार करें तो ही हमारी मृत्यु होनी चाहिए, नहीं तो नहीं। ऐसा वरदान जो है उन देवतों ने मां से मांगा। तब माँ ने कहा कि ठीक है तथास्तु ऐसा ही होगा,
आप जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। मां ने वरदान दिया, वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। अब दोनों असुर विचार करने लगे, हमने तो भगवती को ठग लिया है। अब इतने शक्तिशाली हो गए हैं, अब कौन मूर्ख होगा जो स्वयं जी कहेगा कि अब मुझे मृत्यु, मेरी मृत्यु आ जाए। सब जो है कीर से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है सब जीना चाहते हैं, मरना तो कोई चाहता ही नहीं, फिर हम क्यों जो चाहेंगे कि हमारी मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार से केवल व्यक्ति सोचता मैं बड़ा होशियार हूं, बड़ा चलाक हूं, जिस सारी लीला जी जगत जो है ये उसी मां भगवती की रचना है, कब क्या लीला करेगी कुछ पता नहीं चलता। जीवन व्यक्ति सोचता कुछ है, होता कुछ और ही है। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में यदि कुछ है ये कर्म और उसका फल भी नहीं, फल क्या मिलेगा वह वही जाने। अब दोनों असुर बड़े प्रसन्न हुए, हम बड़े होशियार थे, बड़े चलाक थे, मां से ऐसा वरदान मांग लिए हैं, अब जो हम देवताओं को नहीं छोड़ेंगे। अहंकार आ गया कि मृत्यु हमारी हो नहीं सकती, देवता हमको पराजित कर नहीं सकते, अब जैसे लौकिक का राज्य हमारा होगा। अब दोनों ईश्वर जो है अब इधर उधर देखने लगे, कहीं किसके साथ युद्ध करें, तो कहते हैं कि उनकी दृष्टि जो थी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा पर पड़ी। ब्रह्मा को उन दोनों असुरों ने देखा तो झट से ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहने लगे कि ब्रह्मा हमारे साथ युद्ध कीजिए, युद्ध करो, यदि आप युद्ध नहीं कर सकते तुम्हारी दासता स्वीकार करो, आपको स्थान पर रहने का बैठने का कोई अधिकार नहीं है यदि आप हमारे साथ युद्ध नहीं करते। तब कहते कि उस समय ब्रह्मा घबरा गए, ये दोनों असुर जो है इतने शक्तिशाली हैं और जगजन्य से वरदान प्राप्त कर चुके हैं तो ये तो मुझे मार देंगे, कैसे इनके साथ युद्ध करूं। तो कहते कि उस समय ब्रह्मा जो थे वह नीचे उतरे कमल से जो है, अब नीचे उतरे आप देखते हैं भगवान विष्णु जो है शेषनाग की सज्जा पर जो शयन कर रहे हैं, भगवान विष्णु को उनको दर्शन हुए और वे भी शेषनाग की सज्जा पर शयन कर रहे हैं, तो उनको जगाने लगे कि उठो भाई जी, असुर आ गए हैं, मुझे मारने के लिए यहां पर आए हैं, रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु जगे नहीं, जोग निद्रा के अधीन सो रहे हैं, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। फिर बड़ा हिलाने डुलाने लगे कि इस तरह जग जाए, परंतु भगवान विष्णु जगे नहीं। अब कोई रक्षा करने वाला है नहीं आगे पीछे, करें तो करें क्या। कहते उस समय भयभीत होकर के ब्रह्मा ने मां भगवती के शरणक धोकर के मां भगवती का श्रवण किया, प्रार्थना की कि मां बड़े संकट में हूं, ये दोनों असुर मुझे मार देंगे, हे मां मुझको, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को शरीर धारण करवाने वाली आप ही, हे मां जब आपने हमें उत्पन्न किया तो इन असुरों को क्यों उत्पन्न कर दिया, और यदि इनको उत्पन्न कर दिए हैं तो भगवान विष्णु को जगा दीजिए और इनमें ऐसी बुद्धि डालिए कि ताकि इनके साथ युद्ध करें, इनको पराजित करें, इनको मार दें। ऐसे कहते उस समय संकट काल में ब्रह्मण जब मां की स्तुति की तो कहते हैं कि मां भगवती जो है भगवान ब्रह्मा के सामने जो है अव्यक्त जन्मा भगवती सामने प्रत्यक्ष खड़ी होगी। तब भगवान विष्णु के नेत्रों से वक्षस्थल निकल करके सामने और जो है भगवान विष्णु जग गए। जैसे ही भगवान विष्णु जगे और उड़ते सामने उन्होंने दोनों असुरों को देखा और दोनों असुरों के साथ बहुत युद्ध करने लगे। कहते कि 5000 वर्षों तक जो है निरंतर लगातार जो है भगवान विष्णु उन असुरों के साथ युद्ध करते रहे परंतु पराजित नहीं कर पाए। बड़ा आश्चर्य हुआ, कई बार देवताओं के साथ युद्ध किया है, मैंने उनको पराजित किया, उनको मारा है, परंतु 5000 वर्षों से लगातार मैं इनके साथ युद्ध कर रहा हूं, ये पराजित होते नहीं, थकते नहीं है, क्योंकि दोनों असुर जो बारी बारी विश्राम कर लेते थे। अब जो भगवान विष्णु ने कहा देखो असुरों,
मैं इतने समय से निरंतर आपके साथ युद्ध कर रहा हूँ, आप तो बारी बारी विश्राम भी कर लेते हैं, मैं लगातार निरंतर अकेले ही आपके साथ युद्ध कर रहा हूँ, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए मुझे विश्राम करने दीजिए, उसके बाद फिर युद्ध करेंगे। उसने कहा ठीक है जाओ विश्राम करो और फिर युद्ध क्षेत्र में आ जाओ। अब असुर जब वहां से थोड़ा दूर चले गए, भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और देखा कि ये असुर मेरे से क्यों पराजित नहीं हो पा रहे, कारण क्या है। जब देखा तो मां जगजन ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, जब इच्छा मृत्यु का वरदान दिए हैं ये कैसे इनको मार सकता हूं। तब कहते को समय मां भगवती का स्मरण किया और मां से प्रार्थना की, मां ने भगवान को दर्शन दिए। कहते को समय मां से प्रार्थना करते भगवान विष्णु ने कहा कि मां जब आपने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिए हैं तो मैं कैसे इनको मार सकता हूं, कैसे इनको पराजित कर सकता हूं, इतने समय हो गया मुझे इसके इनके साथ युद्ध करते हुए, 5000 वर्ष को कम नहीं होते हैं और निरंतर मैं इनके साथ युद्ध कर रहा हूं, जब आपने वरदान दे दिए हैं तो मैं कैसे इनको पराजित कर सकता हूं। हे मां आप इन दोनों असुरों को अपनी माया द्वारा मोहित कर दो और ऐसी इनमें बुद्धि डालो ताकि ये दोनों असुर मेरे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर ले। मां ने कहा कि अब आप जाइए युद्ध क्षेत्र में, मैं ही वहां पर आ रही, अब मैं इन दोनों असुरों को मोहित कर दूंगी, अब इनके पुण्य जो समाप्त हो चुके, पुण्य समाप्त होते हैं तो होता कि उसके बाद सर्वनाश, इसलिए कभी किसी प्रकार का जीवन अहंकार मत कीजिए, शक्ति जो हमें मिली है ये सब उसी देवी की कृपा है, हम शक्ति संपन्न होते हैं, जब तक शक्ति संपन्न है तो जो है हम सब प्रकार कार्य करने समर्थ होते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं तो मैं खत्म हो जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। तब जो है कहते हैं कि भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र में आए, सामने से दोनों असुर भी आ गए, अब जो है उधर सामने से भगवती प्रकट होगी, अत्यंत सुंदर रूप जो है यह माँ भगवती जगजननी जो है त्रिपुर सुंदरी, इतना सुंदर रूप है जिसको असुर ने जैसे ही देखा माँ को, माँ को देखते ही मोहित हो गए, सारा ज्ञान जो है बस चला गया। अब जो है भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि असुरो मैं 5000 वर्षों से लगातार आपके साथ युद्ध कर रहा था, मैं आपको पराजित नहीं कर पाया, आप बड़े वीर योद्धा हैं, मैं आपको पराजित नहीं कर पाया, आपकी वीरता पर मैं प्रसन्न हूं, भरम रोही आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं, कोई वरदान मांगी। तो दोनों असुर जो है अब भगवती ने दोनों को मोहित कर दिया था, अब ज्ञान तो उनमें रहा नहीं, हम भूल क्या रहे हैं। दोनों असुर जो विष्णु को कहते हे विष्णु क्या कहते हो, हम आपसे वरदान मांगे, हम को भिखारी नहीं है, हम भिक्षु नहीं है, हम तो दाता हैं, देने वाले, हम दाता हैं, हम तो देने वाले हैं, हमसे आप वरदान मांगिए। हम दो असुर आपके साथ युद्ध कर रहे थे, हम बारी बारी विश्राम करते थे और आप अकेले हमारे साथ युद्ध कर रहे थे, आपकी वीरता पर हम प्रसन्न हुए। दोनों असुर कहते हैं हम प्रसन्न हुए आपकी वीरता पर और जो है हमसे वरदान मांगिए, भरम ब्रूही। जब वरदान मांगने कहा भगवान विष्णु तो इसी समय की प्रतीक्षा में थे और जो है ऐसे मोहित हुए कि स्वयं जो है भगवान विष्णु से कहने लगे हम तो दाता हैं, देने वाले हैं, हमसे वरदान मांगिए। तब भगवान विष्णु ने कहा महाराज आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे यह वरदान देना चाहते हैं, इसलिए इस समय दूसरे वरदान से मुझे क्या लेना, अब दोनों जो है आप मेरे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। बोलो सच्चे दरबार की जय। दोनों असुर जब दुख में आ गए और सोचने लगे जी क्या कर दिया हमने, बुद्धि ने काम किए नहीं, किसे कह रहे वरदान मांगने के लिए, अब तो जब स्वयं कहा है अब तो वरदान तो मृत्यु स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तब दोनों असुर ने कहा कि देखो विष्णु आपने भी हमसे वरदान मांगने कहा था, पहले आपने कहा था, इसलिए हम भी अपना वरदान मांगते हैं,
क्योंकि उन्होंने देखा कि सर्वत्र जल ही जल है, कहीं सूखा स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि विष्णु, जहां पर सूखा स्थान हो, जहां पर जल ना हो, वहीं पर हमारा वध करो। भगवान विष्णु कहा कि ठीक है। अब जो है, अब मां ने ऐसा मोहित किया हुआ है, और इस प्रकार से विष्णु ने जो है अपनी आकृति बढ़ाई और उसने देखा कहीं जल है ही नहीं, सर्वत्र सूखा सूखा दिखाई दे। तब जो है भगवान विष्णु कहने लगे, आप दोनों अपने मस्तक मेरी जंगा पर रख दो। दोनों उसने अपने मृत्यु स्वीकार करते हुए अपने मस्तक जो थे भगवान विष्णु की जंगा पर रख दिए, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा दोनों के मस्तक काट दिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से उस समय ब्रह्मा पर आई पति आया हुआ संकट जो था, जब उन्होंने माँ का स्मरण किया, माँ का ध्यान किया, तो माँ की कृपा से उस संकट विपत्ति से उनको मुक्ति मिली। तो देवता भी जब संकट में आते हैं, विपत्ति में आते हैं, जब कोई किसी समस्या का समाधान होता नहीं, जहां तक भगवान विष्णु भी उन्हीं की शक्ति संपन्न होकर के तो सब कार्य करने में समर्थ होते हैं, तो उसकी इच्छा के बिना इस संसार का पत्ता भी ढूंढ नहीं सकता। वह भगवती सर्वशक्तिमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। उस शक्ति स्वरूप माँ भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार है। जो माँ भगवती आदि शक्ति इस चरचर संसार में जो है कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है, वह मंगलमय शक्ति सबके अंदर जो विद्यमान है, उस माँ भगवती उस मंगलमय शक्ति के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है, जो सदा सर्वदा सबका मंगल करती है। जो भक्त जन जो माँ के शरणागत हो जाते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की कृपा से उन भक्तों का सर्वत्र मंगल मंगल होते हैं। वह जो भी चिंतन करते हैं माँ की कृपा से उन भक्तों की समस्त मनोबल सिद्ध कामना जब पूर्ण होती है, और इस संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों फलों की उन्हें प्राप्ति होती है। अर्थात भगवत की उपासना करने से, माँ की आराधना करने से, माँ की अर्चना पूजा करने से धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो माँ भगवती धर्म के मार्ग की ओर ले जाती है। बस साधक जन जो भगवती के भक्त जो है कभी धर्म से विचलित नहीं होते, और जहां पर धर्म होता है जो भक्त धर्म से विचलित नहीं होते, धर्मानुसार कर्म करते हैं, उनका कभी कहीं अनिष्ट हो नहीं सकता। तो धार्मिक मति देती है, धर्म की ओर ले जाती है, अर्थ धन लक्ष्य का वरदान देती है, काम कामना को पूर्ण करती है, मोक्ष अंत में पर मोक्ष दे देती है। इसलिए संसार में जीवन भक्तों को इस देवी की कृपा से माँ के आशीर्वाद से वह भक्त जन जो है स्व सुखों का भोग करते हुए अंत में माँ के आशीर्वाद से माँ की कृपा से वह पर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कल्याणमय देवी जो है, जय मंगलमय देवी जो है, ये सब ओर से सबका कल्याण करती है, मंगल करती है, और ये देवी सर्व पूज्य है, सर्व मान्य है। देवता जो इसकी पूजा करते हैं, इस शक्ति उपासना करते हैं, और जो भक्तजन इस माँ भगवती के शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इस देव पिंडी के रूप में इस जगजन्य जगत माता के दर्शन करते हैं, माँ के चरण पर मस्तक झुकाते हैं, तो तीनों माताएं जो है माता महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती जो प्रसन्नता पूर्वक हृदय से उन भक्तों को वरदान देती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनकी सभी कष्ट सभी दुखों से वे मुक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात वे निरोगी जीवन जीते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ भगवती के बीज मंत्र का पाठ करेंगे, जो नवान मंत्र नौ अक्षर के नव दुर्गा पर कीर्तिता नौ ही देवी हैं, जिनके हम विशेष पूजा आराधना अर्चना कर करके माँ जगजन्य की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। तो ये माँ भगवत के जो मूल मंत्र जो है परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा जो भक्त जन माँ की साधना करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, और माँ के दरबार में आकर के इस तीन पिंडिक रूप में माँ भगवत के जो दिव्य दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों पर इन तीनों देवियों के इन तीनों शक्तियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है। सब इस मंत्र का पाठ करेंगे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डये विच्चे 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 तभी भजन की वेले निवेदन करा श्री सुरेश जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग देना सा मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री सुरेश जी जय करा मेरे शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया रे मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया रे मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया रे मेरी शेरों वाली मैया ढिले ताले नहीं ताले की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें आपके झोलियाँ भरे आपके मुरादे पूरी करें आपका जीवन खुशियों से भरते ताले से जीवन की तुम जीवन हो मेरी मैया तुम्हें कैसे बतलाऊं दुख होता अपार तुम्हारे बिना इस विरह व्यथा को कहां तक गाऊं इस विरह व्यथा को कहां तक गाऊं इस विरह दर्द सुना मेरे दिल में रहती हो मैया तुम ही कैसे अपना दिल चीर दिखाओ कैसे अपना दिल चीर दिखाओ कैसे अपना दिल चीर दिखाओ मेरी शेरों वाली मैया सारते हैं रोने मेरी याद बिसारी है क्यों रोने मेरी याद बिसारी है क्यों तूने मेरी याद बिसारी है क्यों होके दिनों की बंधु है माँ ना पूछी बात हमारी
लाखों पापी तार दिए फिर मेरी बार इनकारी है क्यों फिर मेरी बार इनकारी फिर मेरी बार इनकारी है क्यों मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया चाह है अपनी मैया की किसी और की हमको चाह नहीं किसी और की हमको चाह नहीं किसी और की हमको चाह कोई आए तो बैठे पलकों पर जाए तो कोई इनकार नहीं हम जाकर अपनी मैया के हैं किसी और के ताबेदार किसी और के ताबेदार किसी और के ताबेदार मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया मुझको अपनाएगा कौन भैया फिर मुझको अपनाएगा कौन भैया फिर मुझको अपनाएगा कौन मात पिता और भाई बंधु स्वार्थ के सब बीत हैं अब किसके गले लगूं मैं मैया कुछ बिन बाहे फैलाएगा कौन कुछ बिन बाहे फैलाएगा कौन कुछ बिन बाहे फैलाएगा कौन मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया रे जय कर शरवणी राम बोल सच्चे दरबार की जय नंगे नंगे पांव चल आ गया निवाई कुदेरा पुजारी तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी
हाथों में लेकर गंगा जल गागर, हाथों में लेकर गंगा जल गागर, हाथों में लेकर गंगा जल गागर, हाथों में लेकर गंगा जल गागर। लाल लाल चोला किनारी गोटे वाला, लाल लाल चोला किनारी गोटे वाला, चांदी की कटोरी में केसर घोल के, चांदी की कटोरी में केसर घोल के, चांदी की कटोरी में केसर घोल के, माथे पे तिलक लगा गया निभाए तेरा पुजारे, माथे पे तिलक लगा गया निभाए तेरा पुजारे, नंगे नंगे पांव चले आ गया निभाए तेरा पुजारी, नंगे नंगे पांव चले आ गया निभाए तेरा पुजारी, चंपा चमेली गुलाब जूही गेंदा, 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 खुशबू की माला पहना गया निभाए तेरा पुजारी, खुशबू की माला पहना गया निभाए तेरा पुजारी, हो नंगे नंगे पांव चल आ गया निभाए तेरा पुजारी, नंगे नंगे पांव चल आ गया निभाए तेरा पुजारी, चरण कमल में शीश नवाया, चरण कमल में शीश नवाया, चरण कमल में तेरा पुजारी, नंगे नंगे पांव चल आ गया निभाए तेरा पुजारी, नंगे नंगे पांव चल आ गया निभाए तेरा पुजारी, भौं सुपारी भजा नारियल, भौं सुपारी भजा नारियल, लौं सुपारी भजा नारियल, सुपारी ध्वजा नारियल, भेंट तुम्हारी लेके आ गया निभाए तेरा पुजारी, भेंट तुम्हारी लेके आ गया निभाए तेरा पुजारी, नंगे नंगे पांव चल आ गया निभाए तेरा पुजारी, नंगे नंगे पांव चल आ गया पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, नंगे नंगे पांव चल आ गया निभाए तेरा पुजारी।
मेरा पुजारी। जय करा श्री रामानंद सच्चे दरबार की जय। थोड़ी खुशी प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। दुख जयकारा शेरावाली बोल सच्चे दरबार की जय। दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है। दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है। भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है। तेरे दरकार से भूला क्या नोनी होई माँ, क्या नोनी होई माँ, क्या नोनी होई। चारों तेरा छाया आज बचा ले कोई माँ, आज बचा ले कोई माँ, आज बचा ले कोई। तेरे दरकार से भूला क्या नोनी होई माँ, क्या नोनी होई माँ, क्या नोनी होई। बचा ले कोई माँ, आज बचा ले कोई माँ, आज बचा ले कोई। और तुझ सबने दीन दयालु, तुझ सबने दीन दयालु करनहार बताया है। भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है। भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है। गहरा संसार जीवन नाव पुरानी माँ, जीवन नाव पुरानी माँ, जीवन नाव पुरानी। डगमग डगमग डोल रही है सुन ले मात भवानी माँ, सुन ले मात भवानी, खूब सुन ले मात भवानी। गहरा संसार समुद्र जीवन नाव पुरानी माँ, जीवन नाव पुरानी माँ, जीवन नाव पुरानी। डगमग डगमग डोल रही है सुन ले मात भवानी माँ, सुन ले मात भवानी, अब सुन ले मात भवानी। सब पापियों का बेड़ा, सब पापियों का बेड़ा तूने पार लगाया है। भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है। भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है। अरे आए पाप पुराने अब तो बनो सहाई माँ, अब तो बनो सहाई माँ, अब तो बनो सहाई। भाई बंद कुटुंब कबीला जभी ने आ
आंख दिखाई, सभी ने आंख दिखाई, सभी ने आंख दिखाई। अब तेरा सहारा मैया, अब तेरा सहारा मैया, तीनों लोगों ने पाया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया 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 है। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, भगत तेरा घबराया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। ओ मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। तेरा सेवक आया है, ओ तेरा सेवक आया है। तेरा सेवक आया है, ओ तेरा सेवक आया है। जयकारा श्री वाली दा श्री दरबार की जय। श्री श्री जी जयकारा मेरी शेरा वाली मैया जी दा दरबार करे आनी अपने शाह बख्शेर आलिए चरने दे कोल मीगी रख शेर आलिए चरे आनी अपने शेर आलिए चरने दे कोल मिगी रख शेर आलिए अरे आने अपने शाह बख शेर आलिए चरने दे कोल मिगी रख शेर आलिए जिंदड़ी च मेरे तारे कार च सवारिया जिंदड़ी च मेरे तारे कार च पसारिया जिंदड़ी च मेरे सारे घर च सवारिया जिंदड़ी च मेरे सारे घर च सवारिया फुल कुछ मेरी मूड़ समझिए पसारिया फुल कुछ मेरी समझिए पसारिया अपनी तू अख शेर आलिए चरने दे कोल मिगी रख शेर आलिए अपनी तू अख शेर आलिए चरने दे कोल मिगी रख शेर आलिए करे आनी अपने शाह बख शेर आलिए चरने दे कोल मिगी रख शेर आलिए करे आनी बख शेर आलिए चरने दे कोल मिगी रख शेर आलिए मंदड़ा बचार को तुके नहीं दादिए मंदड़ा बचार को तुके नहीं दादिए तेरे बिना सिर कुते चुके नहीं दादिए तेरे बिना सिर कुते चुके नहीं दादिए मंदड़ा बचार को तेरे बिना सिर कुते चुके नहीं दादिए तेरे बिना सिर कुते चुके नहीं दादिए बदले रुत पावे पख शेर आलिए चरने दे कोल मिगी रख शेर आलिए बदले रुत पावे पख शेर आलिए चरने दे कोल मिगी रख शेर आलिए करे आनी अपने शाह बख शेर आलिए चरने दे कोल मिगी
रख शेरियाले अपने परनेशा माफ शेरियाले चरने दे बोल दिगी रख शेरियाले चोल दी गरमेया तू ममता दी पाखिया चोल दी गरमेया तू ममता दी पाखिया भुखिया नी रोण कदे मेरी आए अखिया भुखिया नी रोण कदे मेरी आए अखिया शुक्र मना मैं तेरा लख शेर आलिए चरने बख्शेरियाली चरने बिकोल मिगी रख शेरियाली अरे आनिया परनिशा बख्शेरियाली चरने बिकोल मिगी रख शेरियाली जदों तक बाकी मेरा एक भी सो आत्मा जदों तक बाकी मेरा एक भी सो आत्मा बनी रवे अखिये च दर्शन दी प्यास मां बनी रवे अखिये च दर्शन दी प्यास मां लोड़ दानी होर मिगी कख शेर आलिए चरने दे कोल मिगी रख शेर आलिए लोड़ दानी होर मिगी कख शेर आलिए चरने दे कोल खुशेरियालिए करे अपने शाह बख्शेरियालिए चरने दे कोल मिगी रख शेरियालिए करे अपने शाह बख्शेरियालिए चरने दे कोल मिगी रख शेरियालिए चरने दे कोल मिगी रख शेरियालिए चरने दे कोल मिगी रख शेरियाली चरने दे कोल मिगी रख शेरियाली जयकारा मेरी शेरां वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय आरोण सिद्धांश भरत जगदने दक्षिण चक सूत्र वामे हस्त दिभ्यां कणकमयं पुस्तकं जनगम्यं सभेन भदयन्ते स्वकर्कजपे शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडन्त दिभिरूपा करकमलधर भारती सुप्रसन्न सच्चा ज्योता वाली माता हरि सदा जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज पांच प्रविष्टि ही माघ शुक्ल पक्ष आज द्वादशी तिथि ही आज द्वादशी तिथि जो है ये 8:10 तक है उसके उपरांत त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। त्रयोदशी जो है ये 6 तिथि है जिस तिथि में एक बार भी सूर्योदय ना हो वह तिथि 6 होती है। आज सूर्योदय के उपरांत जो है 8:10 के उपरांत जो है त्रयोदशी प्रारंभ होगी और कल सूर्य से पहले ही समाप्त हो जाएगी इसलिए तिथि एक कम हो जाती है 6 हो जाती है। तो इसलिए आज प्रदोष व्रत जो है आज प्रदोष व्रत भी ही रविवार तदनुसार 17 फरवरी 2019 के दिन प्रातःकाल आर्थिक समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली
पुण्यात्मा है जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेष से आज प्रदोष व्रत भी है और प्रदोष व्रत के अवसर पर जो है माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान जसस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर भूत करणे धाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भव धैर्य दर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुनर्दह सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रानाम देस्व शेरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानम् हियते धनम धान्यम पशु भूपुत्र लाभम सत्समसरम दीर्घमायुः अस्त दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर बोल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोलना ताली बजाते होंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गरणी मैया जय मारे भय ही
जाने तुम शिव पट रानी ओम जय परम पूज्य पुजारी जी मां भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुहा द्वार पर आगे ही इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे प्रेम से बोलो जय माता दी। संभल बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। सच्चे गुरु जय माता दी। 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 संभल बोलो जय माता दी। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ के मां से प्रार्थना करेंगे। सम्मिल करके बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि
देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि यशो देहि यशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ विभूति के नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवते आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। शारदा मेरे कार्य कर देश जयमा आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण माया करे तो सतगड़ी जो चरना दा जान जयमा शिरा सन्धर करे स्नेहा
सर्वांगभूषाभिराम नीलाश मद्रिवास पादकशकाम सेवे महाकालिकाम जामसु सुविदेहलोकमलजो हंसम मदम केतवम अक्षादर्पशम कलेशुकविजा पदमं धनुष्कुंडिताम दंडम शक्तिमसिम चर्मजलजम घटासुराभाजनम शूलम पाददर्शने कदर्दे हस्ते प्रसन्नाय राम सेवे देवहर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्तुताम दंताशूलहलाल शंखमुसले वक्रम धनुषायकम आचार्यद्वारिंगलांकविलचा शीतासुरल्यापरा गौरी देवसमुद्रवाङ्गिरदा पूर्वा मत्तदस्तुरी मनपदे शुम्भादिविकायिनी तुमेव माता सपिता तुमेव बन्धो सुधा तुमेव विद्या धनम् तुमेव सर्वम् देव देव शान्ताकारं भजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभम् लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानवंगं वंदे विष्णो भवरदं सर्वलोकेशनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं श्रीरामचंद्रं भजे हरे मुरारे मुदगे दुलारे गोविंद गोपाल मातंकिशोरे गौरमदे विद्यापदे ही भगवान नमस्ते सत्या ज्योता बाली माता तेरी पंचभूला रानी माता तेरी कलिदावला कर्ण वाली माता तेरी सारे संसार विश्रांति लेन वाली माता तेरी लंकड़ा भी ठागर तेरी बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव गुरु बाबा शिलर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय गुरु सत्य दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय गुरु सत्य दरबार की जय जनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जगरा शरण वाली दा वो सके दरबार की जय Thank you.
शक्ति रूपे नमस्ते 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 नमो